नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज आपको खून की कमी होने की कारण और खून की कमी को दूर करने के लिए कुछ घरेलू तथा प्राकृतिक उपचार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में बहुत सारे जानकारी दी जा रही है जो आप अपना कर स्वस्थ हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। खून की कमी अनीमिया। परिचय। खून में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने को एनीमिया अर्थात रक्ताल्पता का रोग कहा जाता है। आयरन हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करती हैं। इसलिए आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। एनीमिया बीमारी नहीं है, लेकिन यह कई बीमारियों की वजह जरूर बन सकता है। जीवन शैली के साथ आहार संबंधी आदतों में होने वाला बदलाव इस समस्या के मुख्य कारण के रूप में सामने आ रहा है। बढ़ते बच्चों, स्तनपान कराने वाली महिलाओं व बीमार व्यक्तियों में एनीमिया का खतरा ज्यादा होता है। विश्व की लगभग 60% महिलाएं और हमारे देश की लगभग 90% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। कारण। किडनी से इरायथ्रोपोएटिन नाम के हार्मोन का उत्पादन होता है जो अस्थिमज्जा बोन मैरो को रेड ब्लड सेल के निर्माण में मदद करता है। जिन लोगों को किडनी का कैंसर होता है उनके शरीर में इरायथ्रोपोएटिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है और इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का बनना भी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आनुवांशिक एनीमिया होता है। इस प्रकार के एनीमिया में हीमोग्लोबिन अपेक्षित मात्रा में बनने के बजाय कम या ज्यादा बनने लगता है। विटामिन B12 की कमी। शरीर में विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होने की संभावना होती है। परनीसियस एनीमिया ज्यादातर शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों को और लंबे वक्त से शराब का सेवन करने वालों को होता है। रक्तस्राव से होने वाला एनीमिया। माहवारी के दिनों में अत्यधिक स्राव, किसी चोट या घाव से स्राव, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, कोलन कैंसर इत्यादि में धीरे धीरे खून लगातार रिसने से एनीमिया हो सकता है। लंबे समय से बीमार होने पर किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक बीमारी से एनीमिया हो सकता है। लक्षण। आंखें पीली हो जाना, कमजोरी और थकावट महसूस होना, छाती में दर्द होना एवं सीने में ऐठन होना, त्वचा व नाखूनों का पीला होना, लेट के उठने पर आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, सांस फूलना, सिर दर्द रहना, हाथों और पैरों का ठंडा होना, हृदय की धड़कन तेज या असामान्य होना। आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक उपचार। पालक में भरपूर लौह तथा विटामिन B12 होता है। इसके साथ ही पालक फोलिक एसिड का भी उच्च स्रोत है। ऐसे में पालक खाने से खून की कमी पूरी होती है। उपचार के लिए पालक का सूप बनाकर या पालक का साग आदि को अपने रोज के खाने में शामिल करना चाहिए। अनार शरीर में हीमोग्लोबिन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अनार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा होती है। इसमें आयरन और कैल्शियम भी होता है। यह खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को तेजी से बढ़ाकर रक्त संचार को ठीक रखता है। एनीमिया के उपचार के लिए सुबह खाली पेट अनार खाएं और रोजाना अनार का जूस पिएं। टमाटर शरीर के लिए बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा लेने के साथ ही यह भी जरूरी है कि आयरन को आपका शरीर सोखे। इसमें टमाटर अहम भूमिका निभाता है। रोजाना 1 से 2 कच्चे टमाटर जरूर खाएं। 1 गिलास टमाटर का रस भी रोज पिएं और खाना बनाने और सलाद में भी टमाटर का भरपूर उपयोग करें।
खजूर भी आयरन बहुत अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम खजूर में 90 मिलीग्राम आयरन की मात्रा होती है। 2 खजूर को 1 कप दूध में रात भर के लिए छोड़ दें। इन खजूर को सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाएं। बचे हुए दूध को भी पी लें। खजूर को गर्म पानी में 2 या 3 घंटों के लिए भिगाकर उस पानी को पीना भी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है और दूध नहीं ले सकते, उनके लिए यह बेहतर तरीका है। किशमिश भी एनीमिया की बेहद अच्छी घरेलू दवा है। किशमिश में आयरन, प्रोटीन, फाइबर, सोडियम जैसे उच्च पोषक तत्व होते हैं। उपचार के लिए 1 कप पानी में 10 से 15 किशमिश रात भर के लिए भिगा दें। सुबह इन किशमिश को शहद मिलाकर खा लें और बचे हुए पानी को पी लें। शहद भी लौह और विटामिन B12 का उच्च स्रोत है। शहद को रोजाना खाने से भी शरीर में एनीमिया की कमी पूरी होती है। शहद को फलों में मिलाकर, दूध में डालकर या चीनी की जगह शहद इस्तेमाल करके भी रक्त की कमी पूरी की जा सकती है। बचाव एनीमिया ज्यादातर पौष्टिक आहार लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ प्रकार के एनीमिया में अलग अलग तरह से उपचार कराने पड़ते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है डॉक्टरी परामर्श। खून की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले खाने में हरी सब्जियां, पालक, मेथी, फल व सलाद की मात्रा बढ़ानी चाहिए। सूखे मेवे जैसे खजूर, बादाम और किशमिश का खूब प्रयोग करना चाहिए। इसमें आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है। फल जैसे खजूर, तरबूज, सेब, अंगूर, किशमिश और अनार खाने से खून बढ़ता है। अनार खाना एनीमिया में काफी फायदा करता है। आयरन की गोलियां या B12 की गोली या इंजेक्शन डॉक्टरी सलाह से लें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। हम ऐसी ही वीडियो बनाते हैं जो आप सभी को स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। हम आपका अच्छी स्वास्थ्य का मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। जय स्वास्थ्य, जय भारत।